नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब बारी है तीसरे टी20 मुकाबले की। पहला मुकाबला जहां बारिश के कारण धुल गया, तो वहीं दूसरे मुकाबले में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 65 रनों से जीत दर्ज की। यहां पर सूर्य कुमार यादव ने 111 रनों की पारी खेली, जो एक यादगार पारी बन गई। लेकिन भारतीय टीम की प्लेइंग 11 पर भी एक बार फिर से सवाल उठाए गए कि क्यों संजू सैमसन उस टीम में शामिल नहीं थे, क्यों शुभमन गिल को नहीं खिलाया गया या फिर उमरान मलिक को चांस क्यों नहीं दिया गया। ऐसे में तीसरे टी20 के लिए क्या प्लेइंग 11 हो सकती है, उस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। तो एक बार बता दें आपको, यहाँ पर ऋषभ पंत एक बार फिर से आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं हमारे मुताबिक। एक बार भारतीय टीम की प्लेइंग 11 पर फटाफट नजर डालें तो देखिए किस तरह की दिख रही है भारत की प्लेइंग 11। तो जो खिलाड़ी खेलते हुए दिख सकते हैं उसमें ईशान किशन है, ऋषभ पंत हो सकते हैं, सूर्य कुमार यादव नंबर 3 पर बल्लेबाजी शानदार की थी, इसके बाद श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या कप्तान, संजू सैमसन खेलते हुए नजर आ सकते हैं वॉशिंगटन सुंदर की जगह, दीपक हुडा टीम में शामिल होंगे, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, उमरान मलिक मौका दिया जा सकता है और युजवेंद्र चहल। ये है भारत की संभावित प्लेइंग 11। दूसरी तरफ बात करें न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग 11 की, तो यहाँ पर केन विलियमसन कुछ मेडिकल अपॉइंटमेंट के चलते तीसरा टी20 मैच नहीं खेल रहे हैं, उनकी जगह टिम साउदी को कप्तानी दी गई है और केन विलियमसन की जगह मार्क चैपमैन टीम में आए हैं। तो कैसी हो सकती है न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11? फिन एलन वहाँ पर हो सकते हैं, डेविन कॉनवे, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन जिन्होंने 40 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं न्यूजीलैंड के लिए, डेरल मिचेल, जेम्स निशम, मिचेल सेंटनर, एडम मिलने, इश सोडी, टिम साउदी और लॉकी फर्ग्यूसन। तो ये थी दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 के किस तरह से दोनों टीमें आपको खेलती हुई नजर आ सकती हैं। हालांकि प्लेइंग 11 में कुछ तब्दीलियां हो सकती हैं, कप्तान हार्दिक पांड्या और कप्तान टिम साउदी का क्या मानना है, और खास तौर पर आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपके हिसाब से क्या प्लेइंग 11 होनी चाहिए तीसरे टी20 के लिए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक न्यूज नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखते रहिए न्यूज नेशन।